हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ज़ीनत। आज मैं आपके लिए स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, एप्पल पेड़ा, जो मैं बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए हमने आधी कटोरी चीनी ली है और एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, 100 ग्राम के लगभग मिल्क पाउडर है और एक चम्मच बटर है। अब हमने पैन हमारा गर्म हो गया है, हम उसमें चीनी डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें चीनी से थोड़ा ज्यादा पानी डाल देंगे और इसको हम सिरप तैयार करेंगे, शुगर सिरप। गाइस, हमारा चीनी हमने जो डाला था वो 5 मिनट हमने इसको पका लिया है। सिरप हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए 2 से 3 बूंद केवड़ा डालेंगे। अगर आपके पास गुलाब जल हो तो वो डाल दीजिए, गुलाब का पानी। और गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसमें हम धीरे धीरे मिल्क पाउडर डालेंगे। धीरे धीरे हम इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, साथ में हम इसमें मक्खन डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको मुझे चलाते रहना है। पांच मिनट हमने दोनों को अच्छे से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने उसको मिक्स किया है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अभी इसको हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब ये हमारा बिल्कुल हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, फिर हम इसको सेव देंगे। गाइस, हमारा स्वीट्स ठंडा हो गया है। अब हम इसे एप्पल के शेप में थोड़ा सा घी हाथ में लगा के उसके बाद हम इसको बनाएंगे। अब इसको गोल बनाएंगे, गोल बना के हम इसको थोड़ा सा, और हमने साथ में लौंग लिया है जिसको हम इसमें लगा देंगे और हम इसी तरह सारे एप्पल बना लेंगे। आराम से आप बनाएं, अभी भी थोड़ा गर्म है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा। गोल करके बिल्कुल इसमें हम ऐसे ही लौंग लगा के सारे एप्पल बना लेंगे। हमारे सारे एप्पल बन गए हैं। अब हमने फूड कलर को थोड़े से दूध में डाल के मिला लिया है और उससे हम एप्पल को हम कलर कर लेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं बिना कलर के भी। इसी तरह सारे फूड कलर से सबको कलर कर देंगे। इसी तरह हमने सारे को रंगना है। गाइस, हमारे डिजर्ट बनके तैयार हो गए हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।